न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। एमएसएमई सेक्टर में 90 लाख लोगों को रोजगार देगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर इकाई में एक अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का दिया निर्देश। नई इकाई लगाने वालों के लिए शिथिल और पारदर्शी होंगे सारे नियम। बैंकर्स देंगे हर इच्छुक उद्यमी को उदार शर्तों पर लोन। हर जिले में 12 से 20 मई तक आयोजित होंगे विशाल लोन मेले। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व सदर सांसद रवि किशन ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला के निधन पर व्यक्त किया गहरा शोक। कहा, मिलनसार एवं जनप्रिय नेता थे उपेंद्र दत्त शुक्ल। डीआईजी रेंज राजेश डी मोडक ने किया रेलवे स्टेशन परिसर पर लाए जा रहे यात्रियों के लिए किए गए व्यवस्थाओं का निरीक्षण। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लोगों से की अपील, सामाजिक दूरी बनाकर लोग करें लॉकडाउन का पालन। डीएम और एसएसपी ने किया बेलीपार थाना क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय भरवल का निरीक्षण। क्वारंटाइन हुए लोगों के व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों को ट्रेन से भेजा जा रहा है उनके घर। सभी मजदूरों का रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर ही जांच के बाद लंच पैकेट पानी आदि वितरित कर भिजवाया गया उनके घर। रेलवे स्टेशन पर आ रहे प्रवासी मजदूरों की सुविधाओं का डीएम और एसएसपी ने लिया जायजा। कहा, मजदूरों को सुरक्षित पहुंचाया जाए उनके घर। बेलीपार थाना क्षेत्र के 4-5 मोड़ पर अचानक बेकाबू होकर पलटी डिलीवरी वैन। आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। 2 की हालत गंभीर। डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को किया मृत घोषित। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व वरिष्ठ नेता उपेंद्र दत्त शुक्ल का हार्ट अटैक से हुआ निधन। पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर। कहा, पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है उपेंद्र दत्त शुक्ल का निधन। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने मलिन बस्ती के बच्चों के साथ मनाया मदर्स डे। बच्चों में बांटी खुशियां, बताया मदर्स डे का महत्व। जिला प्रशासन के कम्युनिटी किचन से अब तक करीब 9,000 लोगों के घरों तक पहुंचाया जा चुका है राशन। वितरित किया जा चुका है 2 लाख फूड पैकेट। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट IAS अनुभव सिंह ने कहा, प्रवासी मजदूरों को भी की जा रही है मदद। बेलीपार थाना क्षेत्र के कटिया गांव निवासी एक व्यक्ति की मुंबई से घर वापस आते समय रास्ते में हुई मौत। परिजन एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें गांव लाने का कर रहे थे प्रयास। जानकारी होने के बाद स्वास्थ्य महकमा और स्थानीय पुलिस द्वारा रास्ते में ही शव वाहन को कब्जे में लेकर राजघाट स्थित शमशान घाट पर कराया गया दाह संस्कार। मदर्स डे पर कांग्रेस सेवा दल ने महिला थाना प्रभारी और उनकी टीम को किया सम्मानित। माल्यार्पण कर उतारी आरती। और लॉकडाउन का पुलिस करा रही है पालन। अन्य प्रदेशों और जनपदों से आए लोगों का मेडिकल चेकअप के बाद ही हो रहा शहर में प्रवेश। बाहरी वाहनों पर पुलिस की है विशेष नजर।